फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने मेरा बेडरूम मेकओवर इस हद तक पसंद किया कि मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि आप लोगों को इस हद तक पसंद आएगा। मतलब मैं बहुत खुश हुई आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ के, और आप लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की वो मुझे लग रहा था, मतलब सच में क्या मैं इतनी तारीफ के काबिल हूँ। मुझे बहुत बहुत ज्यादा खुशी हुई आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ के, आप लोगों का प्यार देख के मुझे बहुत खुशी मिली। सो थैंक यू, दिल से थैंक यू। आज संडे है और रात का 9 बज गया है, बिग बॉस चालू हो गया, ये बाहर बिग बॉस देख रहे हैं। और आज मैंने दिन में कोई ब्लॉग शूट नहीं कर पाया क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। कल भी तबीयत खराब थी और आज भी तबीयत खराब है। शायद आप लोगों को मैंने लिपस्टिक लगा ली है ताकि मैं बीमार ना दिखूं। और मेरी भी तबीयत खराब है, साथ ही साथ बेटू की भी तबीयत खराब है। वो बस स्कूल मैंने उसको भेजा है और उसके अगले दिन से वो फिर से बीमार पड़ गई है। तो हम दोनों लोग बीमार पड़ गए हैं, तो इस चक्कर में ब्लॉग नहीं बन पाया। आई एम रियली सॉरी। आज मॉर्निंग में भी मैंने ब्लॉग पोस्ट किया है, वो एक ओल्ड ब्लॉग है मेरे बेडरूम मेकओवर का, मतलब पहले वाला ब्लॉग है। सो मुझे बड़ा खराब लग रहा है अंदर से, मैंने ब्लॉग ही नहीं बना पाया। और आप लोग कितना वेट करते हो, सब लोग इस हद तक वेट करते हैं, आप डेली ब्लॉग डालो, आपको देखती नहीं हो तो दिन अच्छा नहीं गुजरता है, ये वो, मतलब इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आते हैं, आप लोग इतना बेसब्री से इंतजार करते हो, मतलब क्या बोलूं, जहाँ इस फीलिंग को बयान नहीं कर सकती हूँ। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार जन नहीं, जब हजारों लोग आपकी तारीफ करते हैं ना, तो अंदर से कितना ब्लेस्ड फील होता है। एंड आई एम रियली सॉरी मैंने ब्लॉग नहीं बना पाया। सो फाइनली आज मैं एक छोटू सा वीडियो बना रही हूँ, इसलिए क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब से मैंने मेकओवर किया है या करना स्टार्ट किया है, आप लोगों के ढेरों क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन इन द सेंस, जो मैंने चीजें इस्तेमाल करी हैं अपने रूम में, उनकी प्राइसिंग के बारे में, और आप लोग शॉप का एड्रेस मांग रहे हो, कहाँ से लिया ये पूछ रहे हो, तो काफी सारे डेली मतलब ढेर सारे क्वेश्चन आ रहे। तो ऐसे एक एक क्वेश्चन का जवाब देना ठीक नहीं है, और फिर मैं एक कमेंट का आंसर करूंगी, फिर सेम वही 10 लोग वही सेम क्वेश्चन करेंगे तो फिर उनका आंसर करूंगी। तो मैंने सोचा कि मैं छोटू सा वीडियो बना लूं, एंड आप सारे लोगों के जो क्वेश्चंस हैं मेरे बेडरूम से रिलेटेड, जितने भी क्वेश्चन है, मैं उन सारों का आंसर कर दूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और आप लोगों के सारे जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं बता चुकी हूं फिर भी कुछ बातें मैं रिपीट करूंगी, शायद कुछ लोगों ने ब्लॉग ना देखा हो पहले का, इस वजह से। तो मैंने जो शॉपिंग की है अपने बेडरूम मेकओवर से रिलेटेड, सारी मैंने सरोजनी नगर मार्केट से की है। से रिलेटेड कपड़े और सारा सबको, डेकोरेशन एवरीथिंग आपको वहां पर मिल जाएगा, शॉप भी मिल जाएगी, और जो ओपन में रोड पे लगाते हैं उस तरीके से भी मिल जाएगा। तो दोनों तरीके के वहां पे रहते हैं, आपको जहां से लेना आप ले सकते हो। मोस्टली मेरे पास क्वेश्चन आ रहे थे कि मैंने ये बेडशीट कितने की ली है, तो मैंने ये बेडशीट ली है 795, यानी 795 की ये बेडशीट है। कभी नगर में एक शॉप थी, आई एम सॉरी मैं एड्रेस एग्जैक्ट नाम मैंने नहीं नोट किया तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, तो बोलिए। और छोटे वाले ये जो कुशन है ये मैंने 100 रुपीज के लिए है, ये अलग से मैंने परचेज किए हैं गोल्डन कलर के। फिर बात आती है मेरे कोलाज की। कोलाज का जो प्राइस आप लोग पूछते हो वो है 350 रुपीज। ये रोड पर ही कोलाज की और पेंटिंग की शॉप लगी थी, मैंने वहां से परचेज की है। और ये जो कोलाज के साथ पेंटिंग लगी है ये मैंने 200 की परचेज की है, ये अलग शॉप से परचेज की है। और ये जो तीन पेंटिंग है ये मैंने 100 रुपीज की तीन पेंटिंग, उसके पास 100 रुपीज की तीन का सेट वो बेच रहा था, तो मैंने वहां से परचेज की है। और आप ये जो स्टडी टेबल वाला फ्लावर पॉट देख रहे हो, ये छोटा वाला, ये मैंने 150 का खरीदा था अपनी लोकल मार्केट की शॉप से। और साथ ही साथ जो ड्रेसिंग के ऊपर पॉट रखा है वो भी 150 का मैंने अपने लोकल मार्केट से खरीदा था घर के पास। और काफी सारे लोग ये लैंप का प्राइस पूछते हैं, ये जो व्हाइट कलर की लैंप आप देख रहे हो ये मैंने 150 की वेंसडे मार्केट यानी बुद्ध बाजार से खरीदी थी, जो हर बुद्ध बाजार को मेरे एरिया में लगता है। और ये जो मिरर देख रहे हो ये मैंने 250 रुपए में मैंने ये मिरर लिया है। और ये जो बेड के ऊपर पेंटिंग है ये मैंने लास्ट ईयर 350 या 300 की ऐसे अपने लोकल मार्केट की शॉप से ली थी। और ये जो फ्लावर है ये मैंने शायद 180 के लिए थे, दिवाली पे लिए थे लास्ट। तो अब बात आती है कर्टन की। कर्टन मैंने लिए हैं ऑरेंज वाले, ये जो दोनों आप देख रहे हो ये 200 के हैं, और ये जो बीच वाला गोल्डन कलर का है ये 250 का है। सो ये भी मैंने सरोजनी नगर मार्केट से लिया था।
मोस्टली लोग अभी भी मेरे बेड का प्राइस मुझसे पूछते हैं, तो बेड मैंने 12,000 समथिंग में कुछ लिया था अपने लोकल मार्केट की फर्नीचर शॉप से, और उसी शॉप से ली है मैंने अपनी ड्रेसिंग एंड स्टडी टेबल। ड्रेसिंग टेबल का प्राइस है 3,000 और स्टडी टेबल और चेयर दोनों चीजों का प्राइस है मिलाकर के 1,500 रुपए। सो फ्रेंड्स, आई रियली होप कि मैं आप लोगों को सारे जो आप क्वेश्चन करते हो उनके आंसर दे पाई हूँ। सारे प्राइस लोग मुझसे पूछते थे, मैंने कहा फाइनली चलो मैं आज बता देती हूँ। और बेड के पीछे जो झालर लगी है 30 रुपीज की, मैंने जो बिजली की शॉप होती है जहाँ पे बिजली के सामान तार बोर्ड पंखे वगैरह मिलते हैं, वहां से 30 रुपीज की ली थी। तो ये तो नॉर्मल कहीं भी मिल जाती है, दिवाली आने वाली है तो कहीं से भी आप ले सकते हो। सो बस आई होप मैं पूरा आपको बता पाई हूँ जो आपके क्वेश्चन है। हमेशा अफोर्डेबल शॉपिंग करने में बिलीव रखती हूँ, ज्यादा महंगा महंगा सामान मैं नहीं खरीदती हूँ, और सारा सामान जो है अफोर्डेबल के साथ साथ बहुत अच्छा भी है। ऐसा नहीं है कोई डिफेक्टिव पीस है या यूज किया हुआ या काफी दिन से पड़ा हुआ शॉप पे पीस है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम फ्रेश आइटम है। तो आप सरोजनी नगर जाकर के शॉपिंग कर सकते हो। तो मैंने इतने पहले से ये बेडरूम मेकओवर का वीडियो आप लोगों से इसलिए शेयर किया ताकि दिवाली के जितने भी दिन रह गए आप लोग अच्छे से सामान कलेक्ट करके, छोटे छोटे सामान से खूबसूरती बढ़ती है, आपने देखा होगा पीछे, आप देख सकते हैं, आप सजा सकते हैं और अफोर्डेबल चीजें ला सकते हैं और शायद कुछ आइडिया मिल जाए मेरे वीडियो देख करके। सो इस वजह से मैंने इतने पहले से आप लोगों के साथ ये अपना बेडरूम मेकओवर शेयर कर दिया है। और काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं किस तरीके से अपने घर को सजाऊं, किस तरीके से अपने कमरे को सजाऊं, तो मैं आप लोगों को छोटी सी कुछ टिप्स देना चाहूंगी। जैसे कभी भी हम बेडरूम मेकओवर करते हैं तो पहले हमें अपने कमरे को एक बार अच्छे से देख लेना चाहिए। हाँ, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, आप लोग बोलोगे डेली अपना रूम देखते हो उसमें क्या बात है, बट ऐसा नहीं है। अपने कमरे को तसल्ली से, जब आप शांति में हो, बच्चे बच्चे सो जाए, तब तसल्ली से खड़े हो जाइए और पूरे कमरे को एक नजर भर के देख लीजिए, तब आपको चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। ना आई एम श्योर, मैं भी ऐसे करती हूँ, तब आपके माइंड में आइडिया आएंगे कि हाँ इधर ये होना चाहिए, उधर ये होना। डेली लाइफ में इतना रूम देखते हैं, ऑब्वियसली उस घर में रहते हैं तो उसको देखेंगे ही, बट इतने आइडिया आ नहीं पाते। जब शांत दिमाग से आप 1-5 मिनट के लिए खड़े होकर के अपने घर को देखेंगे ना, तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया आएंगे, हाँ ये इधर हो सकता है, वो उधर हो सकता है, ऐसे ऐसे हो सकता है। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए, तसल्ली से आप अपने रूम को देख लीजिए 5 मिनट शांति में, और फिर आप छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करिए। छोटी छोटी पेंटिंग्स लगा सकते हैं, छोटे वाले फ्लावर्स अपने घर में इस तरीके के ऐड कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज मैं बताना चाहूंगी, कलर का बहुत ध्यान रखना है। जैसे अगर आपके घर में सारी वॉल्स डार्क कलर की हैं, तो आप कोशिश करिए कि आपका जो रूम है वो लाइट कलर में हो, और जिस कलर, जो भी कलर डार्क है, चाहे आपके घर में डार्क रेड कलर हुआ है, डार्क ब्लू कलर हुआ है, डार्क ग्रीन कलर हुआ है, डार्क पिंक कलर हुआ है, तो उसके साथ एक लाइट कलर मिला करके वो कलर भी रखें अपने कर्टन्स में, और लाइट कलर मिला करके एक पर्दा ले लीजिए। जैसे आपने नोटिस किया होगा मेरा पूरा जो वॉल है वो क्रीम कलर की है, तो मैंने उसका क्रीम कलर का मैच होता हुआ बीच का एक पर्दा लगाया और साथ ही साथ डार्क कलर किया है। लाइट कलर है अगर आपके घर में तो आप डार्क कलर यूज कीजिए, और अगर वॉल पे डार्क कलर है तो आप लाइट कलर का यूज करिए, तो एक दूसरे से कलर ना इनहेंस होकर के निकलेंगे, तो अच्छा सा एक लुक आएगा। और कोशिश करिए जितनी भी चीजें हैं आप मैचिंग लेने का ट्राई करिए। आपके पास ओल्ड जो चीजें हैं वो एकदम से हटा दीजिए, उनको आप किसी और रूम में एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं, उनका कुछ DIY कर सकते हैं। और जो आप चीज लाएंगे ना वो हल्के से वो हल्के से मैचिंग में लाई। जैसे मैंने सारी कॉफी कलर कर रखे, आपने देखा होगा ये वाला फ्रेम, कोलाज पेंटिंग, ये वाली पेंटिंग सारे आप देख सकते हैं, ये मैंने कॉफी कलर के डार्क कलर के परचेज किए हैं, तो कलर एक सा होगा ना तो अच्छे से निखर करके आएगा। अगर आपकी वॉल डार्क कलर में है तो आप फ्लावर ना लाइट कलर के चूज कीजिए, और अगर लाइट कलर की वॉल है तो आप डार्क कलर के फ्लावर यूज कीजिए, तो अच्छे से ना कलर निखर करके आता है। जैसे कि कमरे में 4 दीवारें होती हैं ऑब्वियसली, सो हर दीवार पे आपको एक या हद से हद 2 चीज ही सजाइए, ज्यादा क्लमजी ना बनाइए। जैसे एक ही दीवार पे खूब सारे आइटम्स लगा दिए, कोलाज भी लगा दिए, पेंटिंग भी लगा दी, फोटो फ्रेम भी लगा दिए, और 2-3 पेंटिंग, तो इस तरीके से अगर आप करेंगे ना तो आपका कमरा बहुत छोटा और कंजस्टेड दिखेगा। जितना हो सके आप अपनी वॉल्स को खाली रखने का कोशिश करिए, और अगर आप ज्यादा पेंटिंग लगाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से लगाइए, जैसे पीछे ये लगा हुआ है आप देख सकते हैं, इस तरीके से लगाइए, थोड़े से बीच में लगाइए, और एक ना थीम सी बना के लगाइए। जैसे मैंने 2 ऐसे कर दी है,
जैसे मैंने इस वॉल पे लगाया, तो इस तरीके की थीम छोटे से बना के लगा सकते हैं। और पीछे मैंने कुछ नहीं रखा है, अगर मैं पीछे भी इसमें बहुत ज्यादा कुछ कर देती तो कंजस्टर्ड सा लगने लगता। और एक वॉल को कहने का मतलब ज्यादा भरिए मत चीजों से, एक वॉल पे एक या हद से हद दो चीज ही डेकोरेशन की लगाइए। नेक्स्ट आप अपने घर के फर्नीचर को फेर बदल कर सकते हैं, उससे मन में काफी अच्छा लगने लगता है, एक रौनक सी नयापन सा आ जाता है घर में। और फ्लावर तो जरूर लगाइए अपने घर में, फ्लावर से बहुत रौनक बढ़ती है। एक लैंप भी लेकर के आ सकते हैं, लैंप लगा सकते हैं, और इस तरीके की जो पेंटिंग्स हैं वो लुक बहुत अच्छा कर देती हैं, आप उसको भी लगा सकते हैं। और ये छोटे छोटे प्लांट्स वो, सो आई रियली होप कि मैं आप लोगों को सारे टिप्स एंड ट्रिक्स समझा पाई हूँ ठीक तरीके से, एंड आई रियली होप आप लोगों की कुछ मदद हो पाई हो इस वीडियो से। तो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और आपको इस वीडियो से क्या आइडिया मिला मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा, और आप लोग क्या यूज करोगे मेरे आइडिया से तो मुझको जरूर बताइएगा। तो चलिए दिवाली आ रही है, आप अपने घर का अच्छे से मेकओवर करिए, और क्या किया पिक्स आप अपने इंस्टाग्राम पे भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी शेयर करते हैं, अपने रूम को सजाते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो मुझसे ऑलरेडी शेयर कर दिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके लिए थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इस काबिल समझते हो कि अपने घर की पिक्स मुझसे शेयर करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो चलिए इस छोटे से वीडियो को यहाँ पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।